आजकल बच्चे बहू और बेटे अपने माता पिता का दुख नहीं समझते और उनका अच्छे से ख्याल भी नहीं रखते हैं। इन सबको देखते हुए अब सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बुजुर्गों का ख्याल रखने वाले पर विस्तार दिया है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से न सिर्फ खुद के बच्चे बल्कि दामाद और बहू को भी देखभाल के लिए जिम्मेदारी उठाने का प्रस्ताव सरकार ने किया है। यदि अब दामाद और बहू अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उन्हें जेल भी हो सकती है। इस नियम को कैबिनेट की तरफ से अनुमति मिल चुकी है। इस नए नियम के तहत माता पिता सास ससुर को शामिल किया गया है, इसलिए चाहे फिर वो बुजुर्ग हो या ना हो, आपको उनका ख्याल अच्छे से रखना होगा, वरना आपको जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दरअसल उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते इस बिल को सदन में पेश किया जाए। खबर के मुताबिक इस अधिनियम में ₹10,000 मेंटेनेंस देने की सीमा को भी खत्म किया जा सकता है। इस नियम के तहत देखभाल नहीं करने वाले बच्चों को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है। इस नियम में देखभाल के साथ ही घर और सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। देखभाल के लिए तय की गई राशि का आधार बुजुर्गों, अभिभावकों, बच्चों और रिश्तेदारों के रहन सहन के आधार पर किया जाएगा। प्रस्ताव पास होने की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बिल लाने का मकसद बुजुर्गों का सम्मान सुनिश्चित करना है। बता दें कि देखभाल करने वालों में गोद में लिए बच्चे, सौतेले बेटे और बेटियों को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ सरकार ने नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसके तहत बुजुर्गों तक पहुंच बनाने के लिए प्रत्येक पुलिस ऑफिसर को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जिससे बुजुर्गों के शारीरिक और मानसिक कष्ट में कमी आएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।